हाय गाइस, कैसे उम्मीद है कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के जरिए बात करने वाले हैं 1899 सीरीज़ की हिंदी डब की रिलीज टाइम के साथ साथ इसकी सीजन 2 के बारे में भी, कि हमें इसकी सीजन 2 है वो देखने को मिलेगी या फिर ये एक लिमिटेड सीरीज है। और इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे डार्क सीरीज़ की हिंदी डब की प्रिडिक्शन के बारे में भी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि इसकी सीजन 1 में आप सभी को 8 एपिसोड देखने को मिलेगी और सभी एपिसोड की जो रन टाइम है वो होने वाली है करीब 1 घंटे की। और इसकी सीजन 1 है वो वर्ल्ड वाइड 17 नवंबर को रिलीज होने वाली है, यानी आज के दिन, टोटल 15 लैंग्वेजेस में, जिसमें से 14 डब लैंग्वेजेस है। और इंडिया में आपको इसकी हिंदी डब वर्जन है वो 1:30 में देखने को मिलेगी आज। वैसे तो नेटफ्लिक्स पर मूवीज और सीरीज समर के टाइम पे 12:30 में रिलीज होती है, लेकिन जैसे ही विंटर से आती है उसके बाद जो टाइमिंग है वो चेंज होकर 1:30 हो जाती है। तो आपसे ये ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए जानते हैं कि हमें इसकी सीजन 2 है वो देखने को मिल सकती है या नहीं। तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि ये एक लिमिटेड सीरीज नहीं है, जिसका मतलब है कि आपको इस सीरीज की मल्टीपल सीजन्स देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। क्योंकि गाइस, लिमिटेड सीरीज की जो पॉसिबिलिटी होती है सीजन 2 की, वो बहुत ही कम होती है, यानी ना के बराबर होती है, वो चाहे जितना भी ब्लॉकबस्टर क्यों नहीं साबित हो जाए। तो वैसे ये लिमिटेड सीरीज नहीं है, यानी कहानी है वो आगे भी बढ़ सकती है अगर इसके क्रिएटर चाहे तो। और वैसे गाइस, कुछ मीडिया आउटलेट के माने तो इसके क्रिएटर है वो आगे की भी सोच रखे हैं, जिसका मतलब है कि इन फ्यूचर अगर इस सीरीज को अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है ऑडियंस के तरफ से, तो डेफिनेटली आपको इसकी मल्टीपल सीजन्स है या फिर इसकी सीजन 2 है वो देखने को मिल सकता है। और जिस तरह इस सीरीज को लेकर वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के बीच क्रेज है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम समय के अंदर इस सीरीज को रिन्यू किया जा सकता है। और जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस समय इस सीरीज को क्रिटिक्स के तरफ से काफी सा रिस्पांस मिला है, और अभी रोटन टोमेटोज पर जो रेटिंग मिली है इस सीरीज को वो है 100 में से 80%, और IMDb पर 9.1 out of 10। जो भी हो, फिलहाल के लिए इस सीरीज को क्रिटिक्स के तरफ से काफी ऐसा रिस्पांस मिला है और मिल रही है। तो ये तो रही क्रिटिक्स की बात, लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि ऑडियंस के बीच इस सीरीज का जलवा कैसा होगा। क्या ये डार्क सीरीज की तरह वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, या फिर नेटफ्लिक्स की अदर प्रोजेक्ट की तरह एवरेज ना निकल आए। तो जो भी हो, ये तो हमें देखने के बाद ही पता चल पाएगा। तो अब बात आती है डार्क सीरीज की हिंदी डब को लेकर। तो जैसा कि आप भी नोटिस कर रहे होंगे काफी दिनों से कि नेटफ्लिक्स है वो इस सीरीज को डार्क सीरीज की प्रीक्वल या सिक्वल सीरीज की तरह प्रमोट कर रहा है, और अपडेट की माने तो डार्क सीरीज और इस सीरीज के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो हमें डार्क सीरीज में एक अच्छा कॉन्सेप्ट और मिस्ट्री थ्रिलर देखने को मिला था, वो हमें इस सीरीज में भी देखने को मिलेगा। तो बाय चांस अगर इस सीरीज को इंटरनेशनली काफी सा रिस्पांस मिलता है और साथ ही साथ इंडिया में भी इस सीरीज को जबरदस्त रिस्पांस मिलता है, तो डेफिनेटली एक चांस बनता है कि आपको इन फ्यूचर डार्क सीरीज की जो हिंदी डब है वो देखने को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्क्विड गेम को इंडिया में काफ़ी जबरदस्त रिस्पांस मिला है, और इसी के रिलेटेड सीरीज थी एलिस इन बॉर्डरलैंड, जो हिंदी में आ रही है बहुत ही जल्द। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर 1899 सीरीज को स्क्विड गेम की तरह अच्छा रिस्पांस मिलता है इंडिया में, तो मे भी आने वाले समय में आपको डार्क सीरीज है वो हिंदी में देखने को मिल जाए। तो फिलहाल के लिए मैं आपको फुल्ली कंफर्मेशन तो नहीं दे सकता, बस इतना बोल सकता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।